Good morning, class 5. Today we will study lesson 9, our food, yani hamara bhojan. Our taste buds play a big role in how we taste food. यानि हम भोजन को किस तरीके से टेस्ट करते हैं, कैसे हम उसका स्वाद लेते हैं, उसमें जो है एक बहुत ही बड़ा रोल कौन निभाता है, हमारे टेस्ट बड्स. Everyone has four types of taste buds. हर एक इंसान के अंदर कितने टेस्ट बड्स होते हैं? Four type के टेस्ट बड्स होते हैं. कौन कौन से? Sweet यानि मीठा, सोर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वा. व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, द फूड गोज थ्रू आर माउथ. खाना कहाँ से जाता है, कहाँ से फूड खाते हैं हम? अपने माउथ से. एज द फूड आइटम्स स्टिक टू आर टंग, और जब कोई फूड हमारे टंग पे लगता है, वी सेंस देयर टेस्ट, यानी हमारा सेंस तुरंत काम करता है और हमें पता चल जाता है कि वो टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कि वो कैसा टेस्ट है. आर टंग हैज स्मॉल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड्स. हमारी जो टंग है उसमें छोटे छोटे बम्प्स यानी छोटे छोटे ऐसे कॉर्नर्स के साइड होते हैं जिनमें क्या होती है, टेस्ट बड्स होती है. टेस्ट बड यानी जिसमें अलग अलग तरह का स्वाद है. Which sends messages to the brain, जो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है. किस चीज़ का मैसेज? कि जो हम खा रहे हैं, जो हमने लिया है मुँह में, तो वो कैसा है, मतलब खट्टा है, मीठा है, तीखा है या कड़वा है. ठीक है, फोर टाइप्स के बताया ना मैंने. कितने टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं? फोर टाइप्स के. देखो, ये आपकी टंग है, इधर पोर्शन पे जो अंदर होता है गले के, बिटर होता है. यहाँ पे कॉर्नर पे सोर होता है, यहाँ पे सॉल्टी, फिर यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे सोर, खट्टा, यहाँ पे सॉल्टी. ठीक है, ये पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा. मोस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स दैट सेंस सॉल्टी और स्वीट टेस्ट आर नियर द फ्रंट ऑफ द टंग. यानी मोस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स, कई सारे टेस्ट बड्स दैट सेंस जो कि सॉल्टी या स्वीट लगते हैं टेस्ट करने पे, वो आर नियर द, वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? फ्रंट ऑफ द टंग यानी टंग के सामने. ठीक है, बिल्कुल आगे के पोर्शन पे. एंड द वंस फॉर बिटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टंग. और जो बिटर टेस्ट यानी जो कड़वा टेस्ट आता है, तो वो टंग के कहाँ रहता है? पीछे रहता है. ये पिक्चर दिख रही है ना आप लोगों को, यहाँ पीछे ऊपर. Now, come on, time to do. Look at these food items and write down how they taste in the given spaces. ये आपका HW है, ये आपको खुद से करना है. ठीक है, यहाँ पे आपके items दिए हुए हैं, कुछ food items, आपको बताना है कि ये कैसा आता है, खट्टा आता है, तीखा आता है, मीठा आता है. अगर मीठा आता है तो उसके आगे लिखिएगा sweet. अगर खट्टा आता है तो उसके आगे लिखिएगा सोर. अगर salty आता है तो उसके आगे लिखना है salty. और कड़वा आता है तो क्या लिखना है? Bitter. ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक. वेयर डज डाइजेशन बिगिन, यानी डाइजेशन हमारा जो है वो कहाँ से शुरू होता है. फूड इंटर्स द माउथ, जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से लेते हैं, है ना. वेयर द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिन, जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम का काम चालू हो जाता है. Chewing which takes place in the mouth seems simple enough and the teeth tear and crush the moistened food to a fine paste until it is ready to be swallowed. Yani chewing, जो हम चबा चबा के, जैसे हम कुछ भी खाते हैं मुँह में लेते हैं उसको, तो क्या करते हैं? उसको chew करते हैं. जैसे रोटी सब्जी खाते हैं तो रोटी लेके चबाते हैं ना मुँह में, आराम आराम से खाते हैं. Which takes place in mouth seems simple enough, आसान होता है. And the teeth tear, जो हमारे दांत होते हैं वो धीरे धीरे उन टुकड़ों को छोटे 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 हिस्सों में टीयर करते हैं, तोड़ते हैं. एंड क्रश द मॉइस्चेंट फूड, उसको और ज़्यादा मुलायम बनाते हैं. टू अ फाइन पेस्ट, जब तक वो एक बढ़िया पेस्ट की तरह हो जाता है, मतलब इस तरीके से कि हम उसको आराम से स्वेलोड यानी निगलना, उसको आराम से अपने गले के अंदर से निगल सकते हैं. ठीक है, इन द माउथ, मुँह में, द फूड गेट्स मिक्सड विद अ लिक्विड सब्सटेंस, जो खाना है हमारा वो एक लिक्विड सब्सटेंस में जाके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सलाइवा. इट इज़
प्रोड्यूस्ड बाय द सेलिवरी ग्लैंड. और सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से निकलता है? सेलिवरी ग्लैंड से, जो कि हमारे माउथ में होता है. इट कंटेन्स एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड. इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है. ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की. इसको देखिए और इसको एग्जामाइन करिए कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी जगह है, कहाँ क्या होती है. ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स है ना, ये रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप केयरफुली काफी देर तक देख के एग्जामाइन करिएगा, पढ़िएगा. ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. इनटू अ सिंपलर शुगर कॉल्ड ग्लूकोस, यानी जो सलिवरी ग्लैंड में जो एंजाइम्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, उस खाने को एकदम छोटे 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 भागों में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल सिंपलर शुगर की तरह हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं. ठीक है, ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी. और फिर वो ग्लूकोज क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है. इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें ताकत देता है टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, बाकी कई सारे काम करने के लिए. वाई डू वी नीड ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए? ग्लूकोज इज यूज्ड टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. ग्लूकोज चाहिए हमें क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है. व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं विदाउट फूड, बिना खाने के, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी फॉल्स, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वी माइट फील वीक, हमें कमजोरी लगने लगती है एंड सिक, लगता है बीमार हो गए. जैसे देखो, काफ़ी देर तक अगर हम लोग खाना नहीं खाते तो कैसा अजीब सा लगने लगता है ना, कि चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, कितना बीमारी बीमारी से लगने लगती है ना. तो वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हम खाना नहीं खाते ना, तो हमें ग्लूकोज नहीं मिलता, यानी हमें एनर्जी नहीं मिलती हमारे शरीर में. तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी का, वो बिल्कुल गिर जाता है. इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खाना पीना खाते रहना चाहिए. People who do a lot of physical activities, जो लोग बहुत सारी physical activities करते हैं, यानी दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, exercise वगैरह, need extra glucose, उन्हें और ज़्यादा glucose की ज़रूरत है regularly, यानी रोज़. So players are given glucose water at regular intervals while playing. इसीलिए खेलते वक्त जो प्लेयर्स होते हैं उनको टाइम टाइम पे ग्लूकोज वाटर दिया जाता है, जिससे कि उन्हें कमजोरी ना फील हो जरा सी भी. बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, अब हम ये पढ़ेंगे. फूड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एसेंशियल यानी अहम, इम्पॉर्टेंट. जो फूड है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही अहम चीज़ है. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड हेल्प्स अस टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी ये हमें एनर्जी देता है काम करने की और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता देता है. द फूड दैट वी ईट एवरी डे, खाना जो हम रोज खाते हैं इज कॉल्ड आवर डाइट. उसे क्या कहा जाता है, हमारी डाइट कहा जाता है. द डाइट दैट वी टेक डेली कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ऑफ दीज ग्रुप्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हम डेली की डाइट लेते हैं, जो हम डेली हम खाना खाते हैं, वो उसे कह रहा है कि दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. और हर एक ग्रुप का अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है, यानी अलग अलग हर एक चीज़ से फ़ायदा होता है. जैसे कि अलग अलग डाइट होती है ना, जैसे दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गई, पराठा सब्जी हो गई, ब्रेड बटर हो गई, सब अलग अलग डाइट्स होती हैं, सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है. तो यहाँ पे वही कह रहा है, विच आर इसेंशियल फॉर आर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है. द डाइट कंसिस्टिंग, डाइट में क्या क्या होता है, राइट अमाउंट में प्रोटीन, फैट,
कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद एडिक्वेट वाटर और पर्याप्त मात्रा में पानी, मिनरल्स और विटामिन्स, इसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। यानी एक बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट यानी जिसमें राइट अमाउंट ऑफ, सही मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त मात्रा में पानी हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वो हमारी एक बैलेंस्ड डाइट होती है। ठीक है। नाउ डिफिशियंसी डिजीजेस, द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आर डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। यानी द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड, जो किस वजह से होती हैं? बाय द लैक ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जब कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसे, पता है, कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं लेते हैं, जिनकी वजह से हमें कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले पाते हैं एक प्रॉपर डाइट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस शुड टेक अ डाइट रिच इन विटामिन ए। यानी जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस है उसको क्या खानी चाहिए? यानी ऐसी डाइट लेनी चाहिए, ऐसा आहार, ऐसा भोजन जो कि विटामिन ए का सोर्स हो, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो, जैसे कैरेट्स, फिश, फ्रूट्स, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं? ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस अगर किसी को भी हो तो उससे जो सफ़र कर रहा है उसका जो वो है, वो उसको ऐसी विटामिन ए की डाइट लेनी चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, बेरी बेरी इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स का ये डिसऑर्डर होता है। इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ आइज एंड स्किन। इससे क्या होता है? आइज में और स्किन में, स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, बॉडी ग्रोथ में एंड ब्लड एंड मसल्स फॉर्मेशन, ब्लड और मसल्स को फॉर्म करने में, बनने में। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ये डिजीज किस वजह से होती है? जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है। द अफेक्टेड चाइल्ड मस्ट ईट द फूड रिच इन विटामिन बी। और ऐसे में उसे, जिस इंसान को ये है बेरी बेरी, द अफेक्टेड चाइल्ड, उसे कौन सा आहार लेना चाहिए जो कि सोर्स है किसका? विटामिन बी का। जैसे कि मिल्क हो गया, फिश हो गई, मीट हो गई, सीरियल्स, ठीक है, एग एक्सेट्रा, यानी दालें, सीरियल्स यानी अनाज हो गया। ठीक है। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। तो बेरी बेरी जो है, जो प्रॉब्लम है, तो ये विटामिन बी का सही मात्रा में आहार लेने से ठीक हो सकती है। नाउ स्कर्वी, पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैज स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। यानी जिन लोगों को स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो दांत होते हैं वो पूरे सूज, जो जबड़े वबड़े होते हैं उनमें से खून निकलता है और वो सूज जाते हैं। दे लूज वेट एंड बिकम वीक। वो उनमें वजन कम होने लगता है और वो कमज़ोर होने लगते हैं। देयर टीथ स्टार्ट शेकिंग, दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं एंड बिकम लूज और ढीले होने लगते हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और ये स्कर्वी डिजीज किस वजह से होती है? जब विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी होती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स, कैबेज, आमला एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ पेशेंट। और जिस भी पेशेंट को ये डिजीज है तो उसको क्या लेना चाहिए? विटामिन सी से भरपूर मात्रा में डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट्स यानी ऐसे फ्रूट जिसमें जूस होता है। ठीक है। तो वो फ्रूट्स, कैबेज, आमला, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। रिकेट्स, इन दिस डिजीज, इस बीमारी में द बोन्स ऑफ द लेग्स बिकम थिन। जो लेग्स, हमारे जो पैर होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत पतली पतली हो जाती हैं। डीफॉर्म्ड एंड कर्व्ड, यानी विकृत और घुमावदार, यानी पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ रिकेट्स।
The bones of the child become weak and soft. और जो बच्चे की bones होती हैं वो क्या हो जाती हैं? Weak यानी कमजोर और मुलायम हो जाती हैं. This disease is caused by the deficiency of vitamin D. और ये disease किस वजह से होती है? जब vitamin D की शरीर में कमी होती है. The affected child must eat the foods written rich in vitamin D. और जिसको भी ये है उसे affected इंसान को क्या कैसी डाइट लेनी चाहिए जो कि विटामिन डी का अच्छा सोर्स हो. ठीक है, जैसे मिल्क, फिश, मीट, बटर, एग एक्सेट्रा. एंड टेक द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट, अनेमिया. In this disease, इस बीमारी में the level of the hemoglobin becomes low. जो hemoglobin का level होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. The affected child gets tired very easily and feels weak. जो जिसको ये बीमारी रहती है वो बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत कमजोरी feel होने लगती है उसको. The skin becomes pale, यानी जो skin का color होता है वो धीरे धीरे yellowish होने लगता है. The lips and nails become dull and colorless. Lips और nails का color बिल्कुल dull हो जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है. This disease is caused by the deficiency of iron. और ये disease किस वजह से होती है? जब शरीर में iron की कमी होती है. We should have plenty of green leafy vegetables. हमें इसमें क्या खाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ खानी चाहिए, जैसे कि स्पाइनेक हो गई, पालक, कैबेज, ये सब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए. मीट, एप्पल्स, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन अ डाइट. और साथ ही साथ मीट, एप्पल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी हमें अपनी डाइट में क्या करना चाहिए? लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, गोइटर. गोइटर कैसी डिजीज होती है? इन दिस डिजीज द नेक ऑफ अ पर्सन बिकम सोलन. यानी इस डिजीज में जो जिसको भी ये डिजीज रहती है, बीमारी रहती है, तो उसमें क्या होता है? उसका जो नेक होता है, जो गर्दन होती है, वो पोर्शन उसका स्वेल हो जाता है. ये देखो, ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, ये पिक्चर किसकी है? गोइटर की. इस तरह से नेक स्वॉलन हो जाता है. दिस डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. और ये डिजीज किस वजह से होती है? जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है. द अफेक्टेड पर्सन नीड्स टू ऐड आयोडाइज्ड सॉल्ट टू हिज और हर फूड. और जो अफेक्टेड पर्सन है, यानी जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या? आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना चाहिए. ठीक है. Now come on next topic. Now we will study malnutrition. In this disease, इस बीमारी में a child becomes weak and thin. जो बच्चा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और पतला हो जाता है. The affected child has poor growth as compared to other children and gets tired easily. यानी जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है बाकी बच्चों की अपेक्षा, और वो आसानी से थक जाता है. This disease may lead to swelling on the feet and hands of a child. और इस disease में क्या होता है कि बच्चे के पैर और हाथ क्या होते हैं? Swelling यानी सूजन आने लगती है उनमें. The hair becomes very thin. जो बाल होते हैं वो बहुत पतले पतले हो जाते हैं. And the skin of the child gets dark and starts peeling. और जो बच्चे की skin होती है वो धीरे धीरे dark यानी और काला होने लगता है बच्चा, और starts peeling यानी धीरे धीरे उसके face का color dull होता जाता है, बिल्कुल yellowish होता जाता है. Such a child is said to be suffering from malnutrition. और ऐसे बच्चे को कहा जाता है कि वो किससे सफर कर रहा है, क्या है उसको? malnutrition है. Deficiency of proteins and carbohydrates causes this disease. तो ये disease किस वजह से होती है? जब शरीर में proteins और carbohydrates की कमी होती है. Patients of this disease, इस disease के patient को क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में proteins and carbohydrates का यूज करना चाहिए. मिल्क, सीरियल्स, स्टार्च एंड शुगर, मीट एंड एग्स शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर डाइट. और उनकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए? मिल्क हो गया, सीरियल्स अनाज हो गए, स्टार्च हो गया, शुगर, मीट, एग्स, ये सारी चीजें खानी चाहिए. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट. खाना जरूरी है.
फूड गिव्स अस एनर्जी दैट वी नीड टू डू अ जॉब. जो फूड है, जो खाना है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपना जॉब कर सकें, अपना काम कर सकें. फॉर मैनी पीपल, कई लोगों के लिए चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स इज वेरी डिफिकल्ट. अपनी खाने की आदतों को बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. फूड इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो फूड होता है, टू बिगिन विद, सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, कश्मीरी क्यूजाइंस रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस. इन कश्मीर, यानी कश्मीर का, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि कश्मीर में कौन सी डिशेस बनती हैं और कश्मीर का क्या फेमस है, ठीक है, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं. इन कश्मीर, कश्मीर में मोस्टली ऑल द डिशेज आर प्रिपेयर्ड अराउंड द मेन, यानी कश्मीर में जो सारी डिशेज होती हैं वो किसके थ्रू, पूरा किससे मिलके बनी हुई होती हैं, राइस से, ठीक है. दैट इज फाउंड कोर्स ऑफ राइस दैट इज फाउंड एब्यूडेंटली इन द ब्यूटिफुल वैली. और ये राइस कहाँ पे पाया जाता है, एब्यूडेंटली, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे, ब्यूटिफुल, प्यारी प्यारी वैलीज में, सुंदर वैलीज में. Another delicious food item cooked here is the saag that is prepared with a green leafy vegetable known as the hak. यानी जो यहाँ पे दूसरा delicious tasty food item है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है, तो वो क्या है, साग है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के द्वारा, जिसे HAK हक कहा जाता है, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश शो हाई कंजम्पशन ऑफ चपातीज एज स्टेपल फूड. यानी कह रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसे मतलब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, तो इन सब जगहों पे सो हाई कंजम्पशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चपातीज देखने को मिलती हैं, जो कि वहाँ का स्टेपल फूड है, यानी एक मूल भोजन है, मूल आहार है. अगेन दीज चपातीज आर प्रिपेयर्ड विद अ वेराइटी ऑफ फ्लोर्स. और इन चपातीज को कई सारे फ्लोर से, कई सारे आटों से बनाया जाता है, जैसे वीट, राइस, मैदा, बेसन, एक्सेट्रा, ठीक है. बिसाइड चपातीज, अदर क्लोजली रिलेटेड ब्रेड बेक्ड इन दीज रीजन्स इंक्लूड. और चपाती को अगर हम छोड़ के दूसरी बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलेटेड, सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है, ब्रेड के द्वारा बेक करके, तंदूरी, रुमाली और नान, ठीक है. इन केरला, केरला में सम ऑफ द डिलीशियस डिशेज आर द लैम्ब स्ट्यू एंड अपम्स, मालाबार फ्राइड प्रॉन्स, इडली, डोसा, एक्सेट्रा. यानी केरला की अगर कुछ डिलीशियस, यानी मज़ेदार, कुछ अच्छी सी चीज़ों के बारे में बात करें, तो ये हैं लैम्ब स्ट्यू, अपम, मालाबार फ्राइड प्रॉन्स, इडली, डोसा, एक्सेट्रा. Another famous item of this region is the sweetened coconut milk. और अगर दूसरे आइटम की बात करें जो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो क्या है, स्वीटेंड, यानी मीठा कोकोनट मिल्क. येट अनदर डिश इज पुट्टू. और यहाँ की दूसरी फेमस डिश कौन सी है, पुट्टू, विच इज ग्लूटेनस राइस पाउडर स्टीम्ड लाइक अ पडिंग इन अ बैम्बू शूट. यानी ये किस तरीके से राइस पाउडर और पडिंग इन अ बैम्बू शूट के द्वारा, यानी इनकी कोई डिश है पुट्टू, जो कि इस तरीके से बनाई जाती है, राइस पाउडर और स्टीम करके उसको भाप दे के बनाया जाता है, ठीक है. ये देखो, ये यहाँ पे दिख रही है ना पुट्टू, ये देखो ये क्या है, ये है पुट्टू डिश इनकी. तो ये इस तरीके से किससे बनती है, राइस पाउडर से स्टीम करके बनाई जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन फूड हैबिट्स. फूड दैट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल न्यूट्रिशन, यानी ऐसे भोजन जिनमें बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, which is usually available as packaged food and requires little or no preparation is known as junk food. यानी ऐसे food item जिनमें बहुत कम nutrition होता है, जो pack करके बनाए जाते हैं, है ना, और requires little, यानी कम preparation या बहुत ही नहीं, कम के बराबर लगती है, वो कैसे food होते हैं, बाहर के, जिन्हें हम junk food बोलते हैं. Such food typically contains high level of calories from sugar or fat with little proteins, vitamins or minerals. यानी कह रहा है कि इन food items में ज़्यादा मात्रा में, high level में क्या होती हैं, calories होती हैं, जो कि sugar से भरी होती है, इनमें fat होता है, और बहुत ही कम मात्रा में इनमें protein.
प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हमें क्यों मना किया जाता है कि जंक फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए, चाउमिन, बर्गर, मोमोज, कि ये लोग किस तरीके से बनाते हैं, इतना ज़्यादा इसमें फैट होता है, शुगर होता है, किसी में नमक ज़्यादा होता है, इतना सारा मसाला होता है, इतना ऑयली होता है, तो इनमें जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत ही कम, इनमें जो कैलोरी होती है बहुत ज़्यादा होती है, शुगर और फैट की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा होती है, और इनमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स बहुत ही कम या ना की मात्रा में होते हैं। कॉमन जंक फूड्स इंक्लूड सॉल्टेड स्नैक फूड्स और कॉमन जंक फूड्स। अगर कुछ कॉमन जंक फूड्स की हम बात करें तो उनमें क्या क्या आता है, सॉल्टेड स्नैक फूड्स, सॉल्टेड यानी जिनमें नमक की मात्रा होती है, स्नैक फूड्स हो गए, कैंडी, स्वीट डेजर्ट्स, फ्राइड फास्ट फूड एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी फ्राइड फास्ट फूड जो फ्राई करके फास्ट फूड बनाए जाते हैं, कुछ भी ले लो, चाउमिन हो गई, बर्गर हो गया, सब ये सब फ्राई करके ही तो बनाए जाते हैं, है ना, मोमोज हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे ये जंक फूड्स होते हैं। बेवरेजेस यानी लिक्विड में, जैसे सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कितनी नुकसान करती है ना ये, नहीं पीनी चाहिए हमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी खाने का नुकसान। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए जो फूड है, जो भोजन है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मेन सोर्स है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल कंपाउंड सच एज, और इनमें कई आवश्यक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। Kinds of food sources like fruits, fruit juices, meals, breads, etc. undergo spoilage in different ways and in different period of time. This condition of food creates so many contaminating diseases like cholera, diarrhea, fever, malaria and common cold. Yani jo spoilage of food, yani jo food ka nuksan hota hai, jise alag alag color, alag alag wo fruits hote hai na, fruits hote hai jo nuksan daayak banaye jate hai, jo paka ke banaye jate hai, ya kafi lambe samay tak, different period of time ka, काफ़ी लंबे समय तक उनको रख दिया जाता है, या जो गलत तरीके से बनाए हुए होते हैं, तो वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, ऐसे जो फूड आइटम जो हम खाते हैं उनसे कॉन्टेमिनेटिंग यानी कई तरह की नुकसानदायक डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा, डायरिया, फीवर, मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। ठीक है, फूड स्पॉइलेज कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड विद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज, यानी फूड स्पॉइलेज, अगर हम फूड नुकसान की बात करें तो जैसे जो गलत तरीके से बनाया गया होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कई सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी एंड टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। फूड स्पॉइलेज कैन बी डिटेक्टेड ईजीली एज द टेक्स्चर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज एल्टर्ड। यानी कह रहा है कि फूड स्पॉइल, जब फूड खराब है, अच्छा नहीं है, तो उसको बहुत ही आसानी से उसका पता लगाया जाता है एज द टेक्स्चर, कि उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, तो जब उसका रंग बदल जाता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है, यानी कि वो फूड स्पॉइलेज यानी खराब है पूरे तरीके से, तो हमें पता भी चल जाता है। तो ऐसे फूड को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। नाउ वी विल स्टडी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज टू स्लो द स्पॉइलेज ऑफ फूड। यानी फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो खाना हमारा नुकसान ना हो, इसलिए बनाई गई है। टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक खाने को खराब होने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए डिफरेंट मैथड्स आर यूज, कई अलग अलग तरीके के मैथड्स को यूज किया जाता है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अ फ्यू ऑफ देम। See first, freezing. Freezing is one of the most common processes used commercially for preserving a very wide range of food. यानी ज़्यादा मात्रा में खाने को सुरक्षित रखने के लिए, preserving यानी बचा के अच्छे तरीके से, सुरक्षित ढंग से रखने के लिए एक बहुत ही common process चली आ रही है, क्या है, freezing. For example, जैसे
potato waffles are stored in the freezer, but potatoes require only a cool, dark place for their storage. यानी potato waffles जो होते हैं उनको freezer में रखा जाता है, लेकिन जो potatoes होते हैं, जो आलू होते हैं, उनको cool, ठंडी, dark जगह चाहिए होती है storage रखने के लिए, उनको store करके रखने के लिए. कोल्ड स्टोर्स प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम, ज़्यादा ठंडी जगह पे उन्हें ज़्यादा वॉल्यूम मिलती है. लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर स्ट्रेटेजिक फूड स्टॉक्स हेल्ड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन मैनी कंट्रीज. यानी लॉन्ग टर्म स्टोरेज, लंबे समय तक खाने को स्टोर करने के लिए, फूड आइटम्स के लिए क्या नेशनल इमरजेंसी द्वारा, पूरे कंट्री, नेशन द्वारा कौन सा क्या चीज़ यूज़ की जाती है, प्रोसेस फ्रीजिंग. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी ड्राइंग. ड्राइंग यानी सुखाना. ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूसेस वेट, ड्राइंग से वेट भी कम होता है, यानी सुखा के किसी चीज़ को खाने से. फूड आइटम्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ना जो ड्राई होते हैं, मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल, खाने को और ज़्यादा यानी अच्छा बनाने के लिए, और स्वादिष्ट बनाने के लिए, और ज़्यादा हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करे. उसलिए मोस्ट टाइप्स ऑफ मीट कैन बी ड्राइड, कई तरह के मीट आइटम्स ड्राई यानी सुखाए जा सकते हैं. जैसे ड्राइंग इज ऑल्सो द नॉर्मल मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन. ड्राइंग एक नॉर्मल यानी एक ऐसे ही एक प्रिजर्वेशन, खाने को अच्छे तरीके से रखने की एक प्रोसेस है ड्राइंग. किस चीज़ के लिए? फॉर सीरियल ग्रेन्स, सच एज सीरियल ग्रेन्स यानी अनाज दानों के लिए, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, ओट्स, बार्ले, राइस, मिलेट एंड राई. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ड्राइंग होती है इनकी, फिर ये लंबे समय तक चलती हैं इसकी वजह से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैनिंग. नाउ वी विल स्टडी कैनिंग. कैनिंग फूड इज फर्स्ट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर. खाने को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, टू किल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई. यानी जो फूड में बैक्टीरिया या फंजाई कुछ है तो उसको पूरा पूरे तरीके से हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है जिससे कि ये सब मर जाए. एंड देन सील्ड इन एयर टाइट कैंस और ऐसे डिब्बों में जो कि बिल्कुल एयर टाइट है, यानी जिनमें हवा नहीं जा सकती, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से यानी उनसे बचाव के लिए इन फूड आइटम्स को कैनिंग के द्वारा यानी एयर टाइट कैंस में सील करके रखा जाता है अच्छे से बॉइल करके. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैनिंग. पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट. वैक्यूम पैकिंग में जो खाना होता है वो वैक्यूम एनवायरनमेंट में रखा जाता है, यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल. एयर टाइट यानी जिसमें हवा ना जा सके, एयर टाइट बैग या बॉटल में. द वैक्यूम एनवायरनमेंट स्ट्रिप्स बैक्टीरिया ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर सर्वाइवल विच इज स्लोइंग एंड स्पॉइलिंग. वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग नट्स वगैरह रखने के लिए, टू रिड्यूस लॉस ऑफ फ्लेवर फ्रॉम ऑक्सीडेशन. यानी कह रहा है कि जो ऐसे फूड आइटम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एयर टाइट बैग्स में या बॉटल्स में रखा जाता है. किसकी वजह से? जिसकी वजह से वो स्पॉइल, खराब ना हो सके और अच्छे तरीके से रहे, जो कि हमारे शरीर को यानी पौष्टिक तरीके से, मतलब एक अच्छे आहार के रूप में रहें. ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षण के लिए क्या किया जाता है. सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक शुगर, कई ऐसे सब्सटेंस जैसे शुगर, सॉल्ट, विनेगर यानी क्या होता है, सिरका, ऑयल एंड सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर एडेड टू प्रिजर्व द फूड. ये सारी चीज़ें, ये केमिकल्स इनमें मिलाए जाते हैं खाने को संरक्षण यानी बचाने के लिए. इन्हें कहा जाता है, दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स. इन्हें कहा जाता है क्या? प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है. यानी किस लिए प्रिजर्वेटिव्स, मैंने क्या बताया, किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि जो हमारा फूड है उसको लंबे समय तक चलाया जा सके, अच्छे ढंग से रखा जा सके. ठीक है, लाइफ स्किल्स. अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डस्ट इन वी शुड स्टोर सीरियल्स पल्सेज एंड स्पाइसेज इन क्लीन ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स. यानी एक अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डस्ट इन, यानी जैसे कि धूल मिट्टी आ ना सके, तो इसलिए हमें हमेशा सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस इन सब जगहों को क्लीन, यानी इन सब चीज़ों को क्लीन जगह पे ड्राई एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए. ठीक है, जिससे ये खराब ना हो.
वी शुड ऑल्सो स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ रेफ्रिजरेटर. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी कहाँ रखना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज में रखना चाहिए, या किसी और इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, किसी ठंडी या फिर ड्राई सूखी जगह पे. होम इज एक्चुअली डेड स्किन, यानी होम एक क्या है, एक मृत्यु, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इन फूड आइटम्स को अच्छे तरीके से चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, कि जैसे फ्रिज में या किसी क्लीन एंड ड्राई प्लेस पे, है ना, जिससे कि हमारा जो फूड आइटम है वो खराब ना हो सके. नाउ कम ऑन वर्ड मीनिंग. मॉइस्टन यानी वेट यानी गीला. स्वेलो यानी कॉज टू पास डाउन द थ्रोट, यानी निगलना, जो हम अपने गले से खाना नीचे लेके जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वेलो करना. ठीक है. एसेंशियल यानी वाइटल, या फिर हम इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, आवश्यक, ज़रूरी. एडिक्वेट यानी इनफ, यानी पर्याप्त. डिलीशियस यानी टेस्टी. कंजम्पशन यानी यूजिंग अप. बेवरेज यानी ड्रिंक, जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं उन्हें बोला जाता है बेवरेज. एल्टर्ड यानी चेंज, यानी बदलना. Now come on quick recap. Our taste buds play a big role in how we taste food. जो हमारे taste buds होते हैं वो एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं किस चीज़ में, कि हम खाने का स्वाद कैसे लेते हैं. ठीक है. Food enters the mouth, खाना भोजन हमारे मुँह के थ्रू अंदर जाता है. Where the work of digestive system begins, जहाँ से digestive system का काम चालू हो जाता है. People suffering from scurvy have swollen and bleeding gums. जिन लोगों को स्कर्वी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जो उनके क्या होता है, उनके दांतों में, उनके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीड यानी खून बहने लगता है. ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूसेज वेट, ड्राइंग से वेट भी कम होता है. मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल, खाने को और ज़्यादा पौष्टिक बनाता है. फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज टू स्लो द स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी खाने को खराब ना होने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस होती है, यानी खाने के संरक्षण की, जिससे खाना बचाया जा सके. ओके. नाउ कम ऑन एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन. आर टंग हैज स्मॉल बम्प्स कॉल्ड टेस्ट बड्स. हमारे टंग में स्मॉल छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, अलग अलग जगहें होती हैं किस चीज़ के लिए, जिससे कि हमें टेस्ट मिल सके ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं. सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय, सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय सेलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ. जो हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा. The food that we eat every day is called our diet. जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, हमारी डाइट कहा जाता है. Scurvy disease is caused by the deficiency of. Scurvy disease किस वजह से होती है, जब शरीर में कमी हो जाती है किसकी, विटामिन सी की. ठीक है. नंबर 5. Which of these diseases causes the hemoglobin level low? किसकी वजह से हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब कौन सी डिजीज में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अनेमिया में. ठीक है. नाउ कम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ कम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1. इन द माउथ, मुंह में द फूड गेट्स मिक्स्ड विद अ लिक्विड सब्सटेंस. जो खाना है वो मिक्स हो जाता है एक लिक्विड पदार्थ से. ठीक है. जिसे बोलते हैं क्या, सलाइवा. SALIVA. नंबर 2. डैश गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज. हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए कई सारे, तो किससे मिलती है, ग्लूकोज से. GLUCOSE. बेरी बेरी इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व. NERVES. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स. RICKETS. वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज फॉर. वैक्यूम पैकिंग किस लिए की जाती है, नट्स वगैरह को रखने के लिए, रिड्यूस लॉस ऑफ फ्लेवर, जिससे उनका फ्लेवर ना जाए, ऑक्सीडेशन के थ्रू. OXIDATION. नाउ कम ऑन ट्रू फॉल्स. नंबर 1. Most of the taste buds that sense salty or sweet taste are near the front of the tongue. यानी कई ऐसे taste buds, कुछ ऐसे taste buds जो कि salty और sweet taste जिनका होता है वो front पे ही होते हैं हमारी tongue के. बताया था ना मैंने अभी chapter में कि वो कहाँ पे होते हैं, हमारी tongue के आगे ही होते हैं, जिससे हमें salty और sweet का taste मिलता है. तो क्या होगा, number 1, true.
Number two, goiter disease is caused by the deficiency of calcium. Goiter disease किस वजह से होती है? जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है. क्या होगा? False. Beriberi disease is caused by deficiency of vitamin C. Beriberi vitamin C की कमी की वजह से होती है. False. Bacteria grow in food preserved with sugar and salt. क्या होगा? False. The vacuum environment strips bacteria of oxygen needed for survival, which is slowing and spoiling. क्या होगा? True. Now, come on, question answer of this chapter. Lesson 9, our food, हमारा भोजन. Question number 1, how does our tongue help us to taste? हमारी tongue जो है, वो हमारी कैसे मदद करती है taste करने में, स्वाद लेने में? Our tongue has 4 types of taste buds. हमारी tongue के 4 types of taste buds होते हैं हमारी tongue में. कौन-कौन से? Sweet, sour, salty और bitter, जिससे कि हमें स्वाद का पता चलता है, which help us to taste. Question number 2, why do we need glucose every day? हमें रोज glucose क्यों चाहिए? We need glucose because, क्यों चाहिए? क्योंकि it gives us energy, हमें energy देता है to our, it gives energy to our body, हमारे शरीर को क्या मिलती है? Energy मिलती है, इसलिए हमें रोज क्या चाहिए? Glucose चाहिए. Question number 3, what do you mean by a balanced diet? Balanced diet से आप क्या समझते हैं? The diet consisting of the right amount of protein, fats, carbohydrates along with adequate water, mineral and vitamins is called a balanced diet. यानी ऐसी diet जिसमें भरपूर मात्रा में protein, fats, carbohydrates, पर्याप्त मात्रा में पानी, minerals और vitamins होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एक balanced diet बोली जाती है, ठीक है? Question number 4, describe the eating habits of different states. Eating habits of different states are Kashmir. Here all the dishes are prepared around the main course of rice. सबसे पहले हम कश्मीर की बात करेंगे. यहाँ पे जितनी भी dishes हैं वो rice के ही around बनाई जाती हैं. यानी सबसे main उसमें चावल होता है. उसी के through सारी dishes बनाई जाती हैं उसमें. और दूसरी अगर सबसे ज़्यादा delicious dish की बात करें जो वहाँ पे बनाई जाती है वो कौन सी है? Another delicious food item cooked here is saag. ठीक है? Number 2, केरला. केरला, some of the delicious dishes are, यहाँ की कुछ delicious dishes हैं, कौन-कौन सी? Lamb stew, appam, malabar fried, prawns, idlis, dosas, etc. ठीक है? और states like Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, इन सब जगहों पे क्या होता है? High consumption, यानी ज़्यादा मात्रा में chapatis को staple food माना जाता है, यानी मूल भोजन या अहम भोजन माना जाता है. Question number 5, what are the different processes of food preservation? Food संरक्षण की कई processes क्या-क्या होती हैं? तो क्या-क्या हमने पढ़ी? Freezing, drying, canning और packing. Okay? Now, come on, hard words of this lesson. Number 1, adequate. A-D-E-Q-U-A-T-E. Adequate. Adequate means क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है? Consisting, C-O-N-S-I-S-T-I-N-G, consisting, ठीक है? Number 3, carbohydrates, C-A-R-B-O-H-Y-D-R-A-T-E-S, carbohydrates. Number 4, nutrients, N-U-T-R-I-E-N-T-S. Number 5, deficiency, D-E-F-I-C-I-E-N-C-Y. Number 6, essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L. Essential का मतलब होता है जरूरी, अहम या आवश्यक, ठीक है? Number 7, absorbed, A-B-S-O-R-B-E-D. Absorbed यानी सोखना किसी चीज को. Diseases, D-I-S-E-A-S-E-S, diseases यानी बीमारी. Consumption, C-O-N-S-U-M-P-T-I-O-N, consumption. Number 10, abundantly, A-B-U-N-D-A-N-T
ABTLY, abundantly, ठीक है। abundantly का मतलब होता है यानी बहुतायत से, या हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं abundantly, ठीक है। नाउ क्लास योर चैप्टर 9 इज ओवर, ठीक है। राइट इट प्रॉपरली एंड इन अ गुड हैंड राइटिंग इन योर ईवीएस कॉपी, एंड प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक्स इन राइटिंग ऑल दीज वर्ड्स, ओके। ओके, थैंक यू क्लास।